Ben sanki elbisinden hasta kendisi de o zaman iş kurum olmuşlar ya. Ben de dışarı çıkamıyorum. O akşam benim bir arkadaş oluyordu. Terasta oturuyordu. Ve gidecek yerde de arka dedikse dedi. Bugün gelmedi. Araştıracağına. Onları araştıracağına. Bir de ileride sor. İleride mutlaka seni getirirse ben de anlamadım. Ben hatunu bileceğim. अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज था जी हमारा बहुत ही स्पेशल दिन। स्पेशल इसलिए क्योंकि जो टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं ना, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। और आज हमने भी सोचा कि हम पूरी फैमिली जो है ना वो एक साथ टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं और जाते हैं कहीं बाहर, कहीं घूमते फिरते हैं, कुछ बाहर से ही खाना खाते हैं ताकि हमें घर से ब्रेक मिले। क्योंकि फैमिली टाइम जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे जो है ना वो यही टाइम जो है वो याद रखते हैं। तो इधर मैं कर रही थी बच्चों के कपड़ों की सिलेक्शन और बच्चों की तैयारी, और इसके बाद फिर हमने निकलना था। और इधर हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे, और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह जो है वो भी बिल्कुल नहीं किया था। हमने रात को ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम लोग सुबह बाहर से ही नाश्ता करेंगे और पूरा दिन जो है ना वो अपना बाहर गुजारेंगे। तो इसलिए फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग भी नहीं कह सकते, तकरीबन 10 का टाइम था, क्योंकि आपको पता है उठते बैठते चलते फिरते इतना टाइम हो ही जाता है। स्पेशली बच्चों के साथ तैयारी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है, और आप चाह के भी जितना भी जल्दी कह लेना फिर भी आपको निकलते निकलते काफ़ी टाइम जो है ना वो हो जाता है। अच्छा, इधर हम लोग फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया जो हम लोगों ने खाना पीना था वो। और पहले हम लोगों ने सोचा कि चलें कुछ लाइट सा नाश्ता जो है वो करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग लंच करेंगे। बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो खेल रहे थे, और मैं इधर बैठ कर कुछ एक्शन मार रही थी। भाई जो सच्ची बात है वो है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए थे ऑर्डर करने के लिए, तो मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी। और यूरोप में स्पेशली जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को ये कहते हुए कि यूरोप में जो है ना वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को डिप्रेशन फील हो रहा होता है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, मैं जब भी ये बच्चे वगैरह मेरे जब सो जाते हैं तो इनकी वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं जब वो मैं देखती हूँ तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि इन चीज़ों की वजह से। कई दफ़ा हम लोग उकता भी जाते हैं ना कि मतलब तंग आ जाते हैं कि चीज़ें बिखरी हुई हैं, या बच्चे को हम ऑब्वियसली तंग भी करते हैं, लेकिन अगर ये बच्चे ना होते तो मैंने कैसे दिन गुजारना था अपना। अब तो मुझे पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हुई, शाम कब हुई। मैं कहती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए मिल जाए, लेकिन अल्लाह का लाख हज़ार बार शुक्र है, उसने औलाद की नेमत से नवाजा है। बहुत प्यारी उसने औलाद दी है, बेटे भी दिए हैं, बेटियाँ भी दी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है ज़िंदगी में। तो बस डिप्रेशन उन लोगों को ज़्यादा फील हो रहा होता है जो बेचारे अकेले होते हैं। इधर एक ब्लॉगर हैं और वो अपने ब्लॉग में कह रही थी कि जो लोग अक्सर हम लड़कियों की होती है ना ख्वाहिश कि हम लोग अकेले रहें, हम अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहें, मतलब ये कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो, ससुराल ना हो, बस हम लोग अकेले हों, हमारी अपनी ज़िंदगी हो, तो उनके बच्चे नहीं हैं। और वो कहती कि मुझे ये अकेलापन काटता है। मैं कहती हूँ कोई और हो जिसके साथ मैं बात कर सकूँ, जिसके साथ मैं कुछ टाइम स्पेंड कर सकूँ, क्योंकि हस्बैंड तो ऑब्वियसली इधर काम पर होते हैं।
औरतें ही घर होती हैं, और फिर बच्चे हों तो बच्चों के साथ, फिर बच्चों के कामों में, बच्चों के एक्टिविटीज़ में आप बिज़ी रहती हैं और आपको बिल्कुल अकेलापन फील नहीं होता। तो बस अल्लाह पाक सबको नेक साले औलाद से नवाजें, और कोई भी बेऔलाद ना हो। ये बेऔलादी वाला जो है ना, वो बस सोच के ही ऐसे दिल घबरा जाता है। अच्छा जी, ये बातें हम लोग छोड़ते हैं इधर ही, और इधर हम लोग कर रहे थे अपना लंच। और बच्चों का आपको पता है कि उनका फेवरेट होता है ये, और स्पेशली ये मैकडोनल्ड पे, और जो मैकडोनल्ड में उन्होंने गेम्स वगैरह लगाई होती हैं, तो बच्चे ऐसी चीज़ों पे बड़ा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड ने भी मुझे, उन्होंने सुबह रात को ही कह दिया था, खैर कि सुबह कुछ भी नहीं तुम बनाओगी, सुबह हम बाहर चलेंगे, तुम्हारी छुट्टी है। और मुझे लगता है कि बच्चों के बाद ना ज़रा आपस में टाइम स्पेंड करने का भी आपको कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चों की ही बातें हो रही होती हैं। अब इकट्ठे बैठे तभी बच्चों की बातें कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर जाएं, और बस हम लोग भी इसलिए आ गए थे कि काफ़ी दिन भी खैर हो गए थे। लाइफ इतनी बिजी जा रही है ना, काम इतने समझ नहीं आ रही होती कि बंदा क्या करे और क्या ना करे। मतलब एक छुट्टी होती है, और वो एक छुट्टी में आपने क्या क्या करना होता है ना, और फिर संडे को इधर होता भी सब कुछ बंद है। ये भी मसला है ना, ये जर्मनी का ये बहुत बड़ा मसला है कि संडे को इधर सब कुछ बंद होता है। मतलब ये बाकी सारी चीज़ें क्लोज होती हैं, बस ये कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ओपन होते हैं। अच्छा, फिर हम लोग आ गए थे कुछ नेचर के करीब, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी जगहों पर आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये हमारे घर के करीब ही है जगह, और बहुत प्यारी है। आपने अगर सुकून लेना ना, तो आप इस जगह पे आ जाए। हमने अपना जो दिन है ना, वो भरपूर इंजॉय किया था, जैसे आप कह सकते हैं ना कि बस दिल नहीं चाह रहा था कि हम लोग घर जाएं। और इधर तो आपको पता है, पानी के पास तो आप घंटों बैठ सकते हैं, और आपको इतना सुकून फील हो रहा था। वैसे मुझे ना पर्सनली पानी से बहुत डर लगता है मुझे। मैं जब कभी सुनूँ ना कि अल्लाह ना करे कोई डूब गया पानी में, तो मेरा अपना सांस बंद होने लग जाता है। मुझे लगता है ये बहुत तकलीफ़देह मौत होती है, तो मुझे वैसे बहुत डर लगता है। स्पेशली जो ब्लैक पानी होता है ना, जिससे खौफ आ रहा होता है, उससे बहुत डर लगता है। ये तो बहुत प्यारा पानी था, जो समंदर वगैरह का पानी होता है ना, उससे मेरा दिल घबरा जाता है। फिर मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, ये भी मसला है। अच्छा, इधर फिर हम लोगों ने ना टाइम स्पेंड किया पूरी फैमिली ने। बच्चे तो आपको पता है वैसे ही खुश हो रहे होते हैं ऐसी जगह पे आके। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी टाइम जो है वो अपने साथ, काफ़ी दिनों के बाद हमें कुछ टाइम मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। क्योंकि वैसे तो हस्बैंड लेट नाइट काम से घर आ रहे होते हैं, फिर आई बस उन्हें खाना वगैरह दिया, फिर वैसे इतनी रात हो जाती है और थक जाता है ना इंसान भी काम कर करके। तो बस फिर सोने की करते हैं कि सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों के साथ नींद नहीं पूरी हो रही होती। तो हफ्ते में एक दिन एक छुट्टी तो बनती है ना, और वैसे तो वो एक जो छुट्टी होती है उसमें और इतने काम निकल आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, आज का तो जिंदा ना ये हम ऐसे गुजारते हैं। तो जर्मनी में मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, और अपना पूरा दिन तकरीबन हम लोग शाम को घर गए थे। मुझे पानी के किनारे किनारे चलना, थोड़ी सी रेत हो पत्थरों उन पे चलना बहुत सुकून देता है। जब ठंडा ठंडा पानी आपके पाँव को लग रहा होता है ना, तो आपको दिल से सुकून एक फील हो रहा था। और वैसे भी नेचर के जितना आप करीब जाते हैं ना, आपको उतना ज़्यादा आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। जब भी कभी आपका दिल परेशान हो, या आपको कोई ऐसी उदासी सी फील हो रही हो ना, तो आप ऐसे किसी पुरसुकून जगह पे चले जाया करें, जहाँ ये बहता पानी बहुत सुकून देता है। तो वहाँ जाके आप कुछ देर के लिए अपना माइंड जो है ना, वो रिलैक्स कर सकते हैं। आप सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे नेचर में खो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेचर में बहुत ज़्यादा सुकून है। तो ये हमारे घर के करीब ही है, वैसे मैं अक्सर आती रहती हूँ, लेकिन ये ना इसका दूसरा हिस्सा है, और इस पे आपको थोड़ा सा ट्रैवल करके आना पड़ता है। वैसे ये बिल्कुल हमारे घर के करीब है ये वाली जगह जो है, और बस जब भी आप आए, खैर स्पेशली बच्चों के साथ तो ज़रा आपको बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, अकेले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो फिर तो आपको कोई छेड़ने वाला बंदा ना। इधर लोग आते हैं, कुछ ग्रिल भी कर रहे थे लोग, लोगों ने स्पेशल साथ म्यूज़िक लगाया हुआ था, ग्रिल कर रहे थे लोग, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। कैंप लगाए हुए थे लोगों ने, तो ऐसे करके ये गर्मी में, क्योंकि गर्मी बहुत थोड़ी आती है जर्मनी में, तो लोग फिर इस थोड़ी सी गर्मी से ना भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, और साथ साथ सब कुछ लेके चलते हैं। उधर ही ग्रिल करते हैं, उधर ही खाते पीते हैं, उधर ही आराम करते हैं, सोते हैं, तो शायद शाम को घर चले जाते हैं, या पता नहीं उधर ही रात गुजारते हैं। क्योंकि इन लोगों का ना मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये लोग क्या क्या करते रहते हैं, अजीबो गरीब ही ये कुछ तरीके से इंजॉय करते हैं। हम लोग तो फिर खैर थोड़ा सा इंजॉय किया हमने, बच्चे जो है वो खुद लगे हुए थे खेलने के लिए,
और मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा थोड़ी वॉक की इकट्ठे पानी में, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ तस्वीरें बनाई, क्योंकि आपको पता है ये छोटी छोटी यादें होती हैं जो कि आप महफूज कर सकते हैं, और ये भी टाइम गुजर जाना है, ऐसा टाइम आ जाना है कि फिर हमारे पास ये यादें रह जानी हैं, ये जवानी गुजर जानी है, बुढ़ापा आ जाना है, लेकिन अच्छी अच्छी यादें होंगी कि हमने अपना टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा गुजारा है। और अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी को आपस में इत्तेफाक दें और हर मियाँ बीवी का प्यार हो आपस में, क्योंकि रिलेशन जो होता है ना टॉक्सिक रिलेशन, उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो ससुराल अच्छा ना हो तो फिर भी आप गुजारा कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है ना तो वो फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो थी ना वो मेरी छोटी बेटी को थी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया है, वो अभी भी दुनिया पे आई है, उसका उसकी पहली गर्मियाँ हैं ये, और उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इंजॉय है ना वो उसी ने किया है हम में से। और बस इस तरह से हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह और कुछ वीडियोस वगैरह और कुछ इस तरह से नेचर को जो है ना वो हमने इंजॉय किया, और मैं आपको वैसे लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती कि हमने कितना इंजॉय किया। अच्छा जी, तो फिर बस इधर हमारी बस हो गई थी और हमने किया घर का रुख। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना। ब्लॉग अच्छा लगे या ना लगे आप लाइक कर दिया करें। तो मिलूंगी जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम तो इधर जा रहे थे घर इंजॉय करके, थक हार के, बिल्कुल रात को नींद बड़ी अच्छी आई थी क्योंकि काफ़ी चला था सारा दिन। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।